वाली बहन जी के बनने जा रही 2022 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आम तौर पर हमेशा से देखा जाता है कि समाज के बड़े बड़े प्रतिनिधि कुछ विशेष पद या वर्चस्व की लालसा में राजनीति में आते हैं, तो वही कुछ बिरले लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति में किसी लालसा के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए आए हैं। कहने को कह सकते हैं कि हर राजनीतिक व्यक्ति की पहचान पार्टी या उनके राजनीतिक जीवन से होती है, पर यहाँ कायम रजा खान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी मृदुभाषी शैली और ईमानदार चरित्र ही इनके महान व्यक्तित्व के परिचायक है। अगर बात इनकी राजनीति की करें तो कई दशकों से इनका परिवार राजनीति में अपनी सेवाएं देता आ रहा है। राजधानी लखनऊ के ग्राम चंदिया मऊ से अपनी समाज सेवा की शुरुआत करने वाले कायम रजा ने 2 दशकों तक ग्राम प्रधान के तौर पर उस क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया है। कायम रजा का की राजनीति की पराकाष्ठा की क्या कहें, इनकी राजनीति जनता की सेवा से शुरू होकर जनता के दुख दर्द के निवारण पर ही खत्म होती है। ग्राम चंदिया मऊ के निवासियों से भी जब इनका काम जानने का प्रयास किया गया तो लोगों का कहना था कि इनका पूरा परिवार ही सेवा परमो धर्मा की भावना को साकार करता है। ये नेता नहीं बल्कि उनके अपने परिवार का एक हिस्सा है। ये बताइए कि अभी ये कायम रजा खान बहुत समय से यहाँ पे प्रधान ही रह चुके हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इन्होंने जो गांव के लिए विकास किया है बहुत अच्छा किया है। हम तो कहते हैं कि पश्चिम विधानसभा से विजय होके ही लौटे हैं जी, विधायक बन जाएंगे तो हमारे लोग को बहुत ही खुशी होगी, जो काम अटके हुए हैं वो भी काम हो जाएंगे। जी जी। काम ये किया है, गेहूं के बीज बटवाया जी, खाद बटवाया जी, रोड बनवाए, नल बनवाए, गरीबों को इंदिरा आवास दिया और गरीबों में लड़कियों की या लड़कों के साथ विवाह शादी जो होती है उसमें भी मदद करते हैं। कहीं चीनी उठवा दिया तो कहीं आटा उठवा देते हैं, और कोई मादा में और अपनी गाड़ी भेजते, अपना ड्राइवर भेजते, पैसा हो या ना हो सारा पैसा भी लगा देते हैं। तो जितने दिन प्रधान रहे बहुत अच्छी सुविधाएँ मिली। हम तो कहते हैं पश्चिम से जो टिकट मिला कहीं भाई वहाँ से जीत के आए, बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पे जो है ये पैदावार है इनकी, बचपन से हम जानते हैं हम लोग नहीं कि यहाँ पले और अपने पढ़ लिख के होशियार भे तो यहाँ प्रधानी हुई, फिर हमको भी प्रधान बनाया, वो भी यही के जरिए हुआ। पैसा कौड़ी सब लगाते रहे और ये सब के साथ में मदद करते रहे हमेशा। अच्छा। तो आज वहाँ पे जाने के मतलब इनका हुआ कि हम विधायक बन जाएं तो कुछ और आगे कार्य करें। जी, जी। हमारी तो ईश्वर से कामना है कि ये जो है कामयाब हो, क्योंकि यहाँ जो है 20-25 सालों से सरपरस्ती कर रहे हैं, प्रधान खुद भी रहे हैं सरपरस्ती भी कर रहे हैं, जनता के दुख दर्द में काम आते हैं। और कहीं शादी बारात हुआ, कहीं खुदा खास्ता किसी मिट्टी हो जाती है, तो जो सहयोग होता है अगर जो मांगने आता है उसके साथ करते हैं। और यहाँ भी विकास कार्य करवाए हैं, अब वहाँ की भी जनता एक बार इनको मौका दे तो उसके बाद में जनता इनका नेचर खुद ही जान जाएगी कैसा है, और विकास कार्य में बहुत अच्छे हैं। इनके बारे में सबसे बड़ा सौभाग्य जो है इनको बसपा से टिकट मिला जी। और चंदिया मऊ जो है इनके माध्यम से 5 वर्षीय प्रधान रहे, बाकी हम लोगों के सहायता से और गरीब हो चाहे अमीर हो सबको जो है सहायता देते थे जी। हर प्रकार की जी। कोई दिक्कत आती खड़े होते, इनके रहते बहुत बदलाव हुआ जी। अगर कोई दिक्कत आती है ये साथ में खड़े हो जाते जी। इसलिए हम इनके साथ हैं। यहाँ जैसे यहाँ काम किया है इन्होंने, हमारे गांव 20 साल से प्रधान रहे हैं और यहाँ सारी सुविधाएं, पहले तो यहाँ इतना कीचड़ था कि आदमी चलने लायक नहीं, रोडें थी, इन्होंने ही सब टाइल लगवाई, सीवर डलवाया और जितना जितनी पूरा जितना काम है आसपास का 7-8 गांव लगते हैं यहाँ, हमारे यहाँ 8 गाँव में सब कहीं पर आपको कीचड़ नहीं दिखेगा। अच्छा। कितनी भी बारिश हो सब इन्हीं कराया हुआ है जी, जी। और जितनी सहायता लोगों गरीब लोगों की है, जैसे अब शादी में हुई या कोई जैसे डेथ हो गई किसी के यहाँ तो उसकी सहायता, और जैसे कोई चोट वोट खा गया तो गाड़ी बराबर तत्पर गाड़ी रहती है इनकी कि कोई भी अगर एक फ़ोन कर दे
फट से गाड़ी, 5 गाड़ी हैं, फट से 1 गाड़ी जरूर जाएगी जी। सहायता के लिए जी, जी। तो हम चाहते हैं जैसे यहाँ इन्होंने विकास किया, सब जनता इनसे सुखी है, वैसे हम चाहते हैं 171 विधानसभा जो जहाँ से लड़ रहे हैं पश्चिम से, तो वहाँ भी ऐसे यानी विधायक हो जाए, तो वहाँ भी ऐसे हो जाए, तो यही हम चाहते हैं। जैसा विकास हमारे चंदिया मऊ ग्राम पंचायत में 20 साल के प्रधानी में इन्होंने किया है, हमें गर्व है कि ऐसा प्रधान हम लोगों को मिला जो सबके दुख दर्द में शरीक होते हैं, और किसी बेटी बहन की शादी है, गरीब है, तो उनके यहाँ हर तरह की मदद करते हैं, किसी को कहीं जाना या अस्पताल ले जाना, अपनी गाड़ी भेजते, अपना ड्राइवर भेजते, अपना पैसा खर्चा करते हैं और इलाज कराते हैं, हर तरह का सहयोग मिला है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि पश्चिम से ये विधायक बने और पश्चिम की जनता के साथ भी विकास ऐसे हो जैसे हमारे यहाँ चंदिया मऊ में हुआ है। ये बताइए कि यहाँ के कायम रजा बढ़िया प्रधान है, शुरू से बढ़िया, शुरू से बढ़िया है। क्या करी है प्रधानी में इन्होंने? प्रधानी में सब कुछ किहिन है, सब सुख के, हाँ सब कुछ किहिन है, सब कुछ में जैसे सब कुछ। आज भूखा इंसान भा तो का खाना भी दिहिन है, खाना भी दिहिन, अच्छा, और कपड़ा लत्ता हर चीज दिहिन, अच्छा, सारे बिहान में अब मदद करती हैं, कोई पास गरीब है नहीं होती है तभी मदद करते हैं। हमारे गांव से काफी सालों से मतलब प्रधान रह चुके हैं और हैं भी मतलब, और इन्होंने काफी यहाँ निर्माण भी किया, मतलब शौचालय भी बनवाए और जो रोटे हमारे यहाँ यहाँ भी, और घर घर जो बिजली थी जो खंभे पास में नहीं थे वो पास में खंभे का भी किया, और जैसे कोई बीमार होता है किसी के पास गाड़ी का नहीं होता है तो गाड़ी भी हमारे यहाँ मतलब भेज देते हैं, वो लेके भी चले जाते हैं, और बाकी चीजें अच्छी है हर चीज है, और शादी ब्याह होती तब भी मतलब मदद करते हैं। हम ठीक है, आपने रोड बिजली पानी सबकी बात की है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप 12th क्लास में हैं, पढ़ाई को लेकर अगर हम आपसे पूछे, पढ़ाई को लेकर कितना आपको सहयोग दिया, कितना सहयोग रहा है कायम रजा खान? रहा है काफी, रहा अच्छा रहा है, और मतलब पढ़ाई के लेकर भी काफी अच्छा रहा, गवर्नमेंट स्कूल में भी मतलब कुछ हेल्प इनकी रहती है, हम लोग तो अभी प्राइवेट से थोड़ा पढ़ रहे हैं। इन्होंने बहुत दिन तक प्रधान रहे और हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे कि जैसे गांव में शौचालय बनवाए, जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सके इनसे इन्होंने हमेशा किया, हाँ। और सदैव साथ दिया सबका, मतलब गरीब लोग हों जो कैसे भी हों सबका साथ दिया है जी। इन्होंने गरीब अमीर का मतलब फर्क नहीं देखा, सबका साथ दिया। अच्छा, आप और क्या चाहते हैं, जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव तो आज की डेट में सभी को पता है, तो चुनाव में आप क्या चाहती हैं और क्या क्या चीज होना चाहिए, ये और क्या चीज करें जो आप चाहती हैं कि आपके आपका एक प्रधान और एक विधायक करें यहाँ पर? जी, इन्होंने इनसे जो हो सका किया तो है और करेंगी भी, पर इन्होंने बहुत कुछ किया, जब नहीं थे प्रधान तब भी किया, और अब जीत कराएंगे और भी करेंगे, उपलब्ध कराएंगे, सारी सुविधाएं देंगे जी। तो हम चाहेंगे जीत कराएं और हमारे देश मतलब हमारे गाँव के लिए और भी कुछ करें। हमारे यहाँ 20 साल समझ लो प्रधानी किया है, हाँ। और अगर किसी को किसी सहायता की ज़रूरत है तो हम लोग अगर नहीं सामना पड़ता तो फ़ोन करके कहते हैं जी। हाँ, तुरंत मतलब करते हैं जी। हमारे की लड़कियाँ जो हैं अपने अपने ससुराल में भी इनका नाम लेती हैं जी। अगर जिसने दावत दी वहाँ पहुँचते हैं, समझे, हर मदद करते हैं, ब्याह शादी में अगर पैसा कौड़ी मतलब कोई चीज़ का अगर सहायता कहा जाता है तो करते हैं जी। हाँ, प्रधान बहुत अच्छे हैं। समाज सेवी कायम रजा खान की राजनीति और पहचान यहीं तक सीमित नहीं रही और राजधानी लखनऊ के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से दुखी होकर दशकों से समाज की सेवा करने वाले समाज सेवी ने राजधानी के पश्चिम क्षेत्र में जनता के दर्द को कम करने का बीड़ा उठाया और वहां के विधायक न होने के बावजूद भी न जाने कितने ऐसे काम कर दिए जो उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इसलिए वहां की जनता के मन की बात सुनते हुए उन्होंने समस्याओं से भरे राजनीति के इस क्षेत्र यानी पश्चिमी विधानसभा में पद रूपी समाज सेवी बनने की ओर बढ़ते हुए विधायक की चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। कायम रजा खान की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर बड़े बड़े दलों ने इनसे संपर्क साधने का प्रयास किया, पर बसपा के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना ही समाज सेवी कायम रजा के मन को प्रेरित कर सकी और इनके ऐसे ही व्यक्तित्व के कारण बसपा ने इन पर विश्वास दिखाया है।
हम देख रहे हैं कि बेहतर पर्यवेक्षण के आधार पर बेहतर साफ सुथरी छवि के और जनता के बीच निस्वार्थ भाव से काम करने वाले नेताओं को चुनाव में तरजीह दी जाती रही है और ऐसे ही एक साफ और ईमानदार व्यक्तित्व के नेता जिनको बहुजन समाज पार्टी द्वारा राजधानी लखनऊ की पश्चिम विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर उनके लंबे समय से चल रही समाज सेवा को सही मुकाम दिया। जब बसपा प्रत्याशी बने कायम रजा से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प है। एक ओर जहां अन्य राजनीतिक पार्टियां अलग अलग एजेंडे से चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने पूर्व के अनुभव और बेहतर शासन कौशल को मजबूत करने के आधार पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बसपा से अच्छा और मजबूत शासन कोई नहीं दे सकता और बसपा की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति ही सबसे कल्याणकारी नीति है। जब हमने राजधानी पश्चिम क्षेत्र में लोगों की राय जानने का प्रयास किया तो पाया कि वहां की जनता कायम रजा खान के मन से विधायक स्वीकार कर चुकी है। बस औपचारिक ऐलान यानी चुनाव बाकी है जिसका निर्णय भी बहुत जल्द हो जाएगा। ये बताइए कि यहाँ पर अब जिस तरीके से आप जानी रही हैं 2022 का विधानसभा चुनाव सर पर है और अब यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं कायम रजा खान, उसके लिए आप क्या चाहती हैं, क्या कहती हैं? यही चाहते हैं कि आप इनको जिताना है हमको, और सब जो हमारे साथ मदद किया है वो सब हमको उनको लिए मदद करना है, मदद करना है, उनको जिताना है। विधायक मैम यही बस हम लोगों को चाहिए ना कि हमारे इधर की स्थिति अच्छी हो, हम लोग परेशान हो तो कोई बात कहे तो उसकी सुनवाई की जाए। अब जब रजा खान विधायक नहीं थे तब सुनते थे हम लोग की इतनी मदद की है, और जब बन जाएंगे तो उस पर तो बहुत ज़्यादा करेंगे, यही चाहते हैं बस। हमने देखिए इस क्षेत्र का काफ़ी भ्रमण भी किया हुआ है, सारा समझा हुआ है क्षेत्र, और सभी लोगों से जो बातचीत करी है उसमें भी हमने देखा है कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो सब हम लोगों ने नोट डाउन करके रखी हैं। जब ये हमारे क्षेत्र से ये जीत जाएंगे कायम रजा खान जी, तो हम ये समस्याएँ सब उनके आगे रखेंगे और 100% वो समस्याएँ दूर की जाएंगी, हमें पता है। इसलिए हम चाहते हैं इन्हीं के जैसा हो, हमें मालूम है ये सबकी परेशानियों को दूर करेंगे, जिस क्षेत्र में जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व होंगी, इसीलिए चाहते हैं ये जीतें और ये जीतेंगे तो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। सर अभी तो काम अच्छा ही किए हैं, अभी तक ये जब पहले हमारा घर बना तो एकदम सड़कें एकदम बहुत बेकार थी, मतलब आते डर लगता था। अब देखिए ये सड़कें देख लीजिए, दूर से ही डर लगता था इधर कैसे आए, गाड़ी से छोड़ दीजिए पैदल जाते डर लगता था, मगर अच्छी बात है आएंगे और हम लोग चाहते हैं कि आए। हम लोग चाहते हैं कि कायम रजा खान जीते, क्योंकि जब कोरोना हुआ था तो इन्होंने हम लोगों की बड़ी मदद की थी, पूरे क्या नाम होता है सारे मोहल्लों वालों को आटा चावल दाल नमक तेल प्याज जहाँ तक आलू तक सारा चीज इन्होंने सबको बुला बुला के घर घर दिया गया था। तो उन्होंने जो इंसान हमारे वक्त पे काम दे हम उनकी सहायता करेंगे। हम लोग इतने दिन हो गया 10-12 हमको यहाँ पर आए 12 साल हो गया मकान बनाए, यहाँ से लेके वहाँ तक यहाँ तो इतना इतना गहरा तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये रोड कभी बन सकती है, सपने भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि वो रोड तो बहुत सही थी, ये रोड तो पूरा गड्ढा था यहाँ तक का। पर यहाँ पर जितने लोग भी आए, राजनाथ सिंह आए, उनकी बहुरिया आई, सब लोग यहाँ बैठ के दो दो तीन तीन घंटा सब लोग क्या किया कुछ नहीं किया, किसी को एक गिलास पानी तक नहीं नसीब हुआ, और आराम से चले गए दोबारा, यहाँ पर कोई झांकने नहीं आया कि जनता कैसी है कैसी नहीं है। तो हम अगर जो कोई बात ऐसी होगी तो हम अब भैया के पास जाके उनसे बात तो करेंगे कि भैया मेरे घर की ये समस्या, आप मेरी समस्या दूर कर दो। यहाँ तो जो भी प्रधानमंत्री बना हम लोग तो जानते भी नहीं है कौन प्रधानमंत्री है कौन क्या है, किस इसके 4-5 बारी बच्चे लोग गए नाली नूली के लिए बताने के लिए, पर वो लोग आए नहीं, झांकने भी नहीं आए, ना किसी जमादार को बुलाए, ना कोई देखने आए, कुछ भी नहीं करने आए। तो हम ये बात चाहते हैं कि हम कायम रजा खान जी इस बार हम लोग सारे सपोर्ट पूरी पब्लिक सपोर्ट कर रही है कि कायम रजा खान भाई साहब जीते और
हम लोगन की भी जिंदगी है समर्थन। जी जब इधर कोरोना काल हुआ है तब तो कोई विधायक मंत्री कोई नहीं दिखा है, अभी समय इलेक्शन का टाइम है तो सब निकल के आ रहे हैं। हमारा पूछने का टाइम कि उस समय ये लोग कहाँ थे, उस समय सिर्फ एक ही बस विधायक दिख रहे थे कायम रजा जी, वही आके सबके घर घर जाके बेचारे पूछे हैं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। जो बच्चे बहुत भूखे थे उनके यहाँ राशन दिया है, राशन पानी दिया, उनके घर में पहुँचाया है सबके यहाँ। उनको कोरोना नहीं हुआ, उनको कोरोना का डर नहीं था, और सबको बड़ा कोरोना का डर था जो लुके बैठे हुए थे। अब उनको कोरोना नहीं दिख रहा है, अब इलेक्शन के टाइम कोरोना नहीं है, अब बाहर निकल के क्यों आ रहे हो, अब भी लुक के बैठो भाई। जनता को मुफ्त तुम्हारा राशन नहीं चाहिए, जनता को चाहिए पढ़ाई बच्चों की, और चाहिए अस्पताल फ्री जिससे गरीबों का इलाज हो चुके। सारे बच्चों की पढ़ाई तो चौपट हो गई है, क्या करेंगे आगे, उनका भविष्य क्या है, पूरा भविष्य बर्बाद हो गया बच्चों का। तो ऐसे भैया कौन चाहेगा, ऐसे ना विधायक आए ना मंत्री आए, किसी को हम लोगों को नहीं चुनना। कायम रजा जी ना ही विधायक है ना मंत्री, एक बहुत अच्छे इंसान है जो गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनके पास कोई भी गरीब जाए किसी भी क्षेत्र का, अगर उनसे कुछ भी कहे तो वो इंसान ऐसे हैं मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो हम लोगों को उन्हीं को अपने क्षेत्र में आपकी लाना है। जनता के इस रुझान से संतुष्ट होकर कायम रजा खान ने कहा कि जनता अन्य पार्टियों के लुभावने वादों को नकार कर मुझपे यानी बसपा पार्टी में अपना विश्वास दिखाएगी, क्योंकि बसपा ही वो पार्टी है जो जनता के लिए हमेशा से काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। मैंने हमेशा से किसी भी काम में भेदभाव नहीं किया, मेरे लिए क्षेत्र की जनता ही सर्वोपरि है। इस वक्त हमारे साथ कायम रजा खान मौजूद हैं, जिनसे आज उन पे बात करेंगे कि वो किन चीज़ों को लेकर, किन विचारधाराओं, किन एजेंडों के साथ में आज अपनी दावेदारी को मजबूत करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कायम रजा खान से। कायम जी, ये जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आज 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो आपकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी? रणनीति देखिए, नमस्कार, मैं कायम रजा खान बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी हूँ, 171 विधानसभा लखनऊ। रणनीति हमारी ये है कि देखिए, इस क्षेत्र में जो पिछले वर्षों में कोई काम नहीं हुआ जी। तो मेन जो समस्याएं हैं वही लेके चल रहे हैं, और जो हमसे हो सका हमने यहाँ किया भी है जी। बाकी जो बहुत ही ज़रूरी काम है यहाँ पे, जैसे सड़क है जी। बहुत एरिए में सड़क ही कहीं नहीं बनी है, लोग चलने को तरसते हैं, और आप समझ लीजिए पानी पीने की सुविधा नहीं है, लाइट की आप अभी देखिए, सर्वे करिए आप कि एक एक किलोमीटर पे बांस पे लाइन दिए हुए हैं, और 150 लोगों को कनेक्शन दिए लेकिन खंभे नहीं गड़े। तो यही मेन समस्याएं हैं जो उनको हम दूर करते रहेंगे आगे चलते। अच्छा, और ये बताइए कि जिस तरीके से सपा बसपा ने अपना प्रचार प्रसार काफ़ी चरम सीमा पर रख रखा है, वहीं पे बसपा की अगर बात करते हैं तो काफ़ी एक शांत प्रचार एक चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी लाइन ऑर्डर की पार्टी है, हम लोग जो निर्देश आता है ऊपर से बहन जी का, हम लोग उस पर चलते हैं। कैडर की पार्टी है, कोई हुल्लड़ हंगामा नहीं करते जी। और सख्त मना है बहुजन समाज पार्टी में कि आप कोई भी दिखावा फर्जी का नहीं करेंगे जी। जो गाइडलाइन ऊपर से आएगी वही करा जाएगा, और जो गाइडलाइन चुनाव की है, चुनाव आयोग की है, हम लोग उसको पालन करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग फील्ड में हैं, फील्ड में है। देखिए, हम जो बड़ी मीडिया है वो हम लोग को चैनल पे नहीं दिखाती, आप लोग जैसे पोर्टल है, आप लोग हो प्राइम टीवी वाले, सब लोग आप बराबर बराबर दिखा रहे हैं, लेकिन बड़े चैनल जो है हम लोग को नहीं दिखाएंगे, छोटे चैनल हमको कवर कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही, और सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही 2022 में। कायम जी, आपके क्या मुख्य एजेंडा रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में अपनी पैठ बनाएंगे? जनता देखे खुद जानती है कि मुद्दे क्या है, और जनता वही मुद्दे देख के वही समझ के लोग वोट कर रहे हैं। लोग जनसंपर्क हमारा बहुत बढ़ा हुआ है, लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, महिलाएं पुरुष और हर बिरादरी, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की हमारी पार्टी है, और बराबर सब लोग सहयोग कर रहे हैं, हर बिरादरी का साथ हमारे साथ में है। बाकी कायम रजा जी, आप जैसे पश्चिमी विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आपने यहाँ पे तमाम कार्य किए हैं, कौन कौन से कार्य आपके मुख्यतः तौर पर किए हैं जो आप आज तक कर चुके हैं, और कौन कौन से कार्य आप करने वाले हैं? अब हम अपने मुँह से क्या बताएं, आप जनता से पूछिएगा, जनता बताएगी खुद आपको हमने क्या किया, हम अपने मुँह से अपनी तारीफ क्या करेंगे जी। बाकी आप जनता से पता करिए हमने क्या किया जी। जी,
जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ पश्चिमी विधानसभा से हमारे साथ कायम रजा खान हमारे साथ में मौजूद है। कायम रजा खान कहते हैं कि मैं अपने क्षेत्र की जनता से वादा करता हूं कि अगर मुझे जनता ने सेवा का अवसर दिया तो उनकी उम्मीदों पर पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा और दशकों सेवा का जो कीर्तिमान मैंने गाँव चंदिया मऊ में बनाया है वो अब राजधानी के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। अब राजधानी का ये क्षेत्र भी समस्या मुक्त होकर रहेगा, ये कायम रजा खान का दृढ़ निश्चय है। प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आने वाले सरकार हमारी माननीय बहन जी के बनने जा रही 2022।